एक दूसरे से जुड़े रहने के लिए व्हाट्सएप एक बेहतरीन माध्यम है, जहां एक तरफ पूरी दुनिया में व्हाट्सएप कम्युनिकेशन के लिए यूज किया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर नए और पुराने बिजनेसेस इसे अपने आप को प्रमोट करने के लिए भी इस्तेमाल कर रहे हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि आप व्हाट्सएप को अपने बिजनेस के लिए किन किन तरीकों से यूज कर सकते हैं। निजी या पर्सनल चैट से आप अपने हर एक बायर को अलग अलग मैसेजेस भेज सकते हैं। आप उनके साथ मेन्यूज शेयर कर सकते हैं, ऑर्डर्स ले सकते हैं और अगर उनका कोई भी सवाल हो तो उसका तुरंत जवाब भी दे सकते हैं। इससे एक पर्सनल कनेक्शन बने रहता है। ब्रॉडकास्ट मैसेज का मतलब है कि आप सेम मैसेज ज्यादा लोगों को एक ही बार में भेज सकते हैं। ये मैसेज उन तक एक पर्सनल मैसेज के रूप में ही जाता है। ब्रॉडकास्ट मैसेज का फायदा तब है जब आपको एक से ज्यादा लोगों को अपना मैसेज पहुंचाना हो, वो भी एक ही समय पर। हालांकि ध्यान रखें कि ब्रॉडकास्ट मैसेज उन्हीं तक पहुंचता है जिनके फोन में आपका नंबर सेव्ड होता है। व्हाट्सएप स्टोरीज एक जबरदस्त तरीका है अपने बायर्स का ध्यान अपनी ओर बढ़ाने का। ये स्टोरी आप एक मैसेज, फोटो या वीडियो के रूप में व्हाट्सएप पे लगा सकते हैं। आपके व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट्स को आपकी स्टोरी सिर्फ 24 घंटे तक ही दिखती है। आप कई तरीके की व्हाट्सएप स्टोरीज लगा सकते हैं, जैसे अपने खाने के फोटोज, कोई स्पेशल ऑफर या डिस्काउंट, शेफ बडी पे बनाए गए मेन्यू का लिंक या फिर अपनी वेबसाइट का लिंक। व्हाट्सएप पे स्टोरी डालने के लिए ऐप पे स्टेटस के सेक्शन पे जाएं और यदि आपको एक टेक्स्ट मैसेज के जैसे स्टोरी डालनी है तो पेन जैसा दिखने वाले बटन पे क्लिक करें, और अगर आपको फोटो या वीडियो के रूप में स्टोरी डालनी है तो कैमरे पे क्लिक करें। ये तो हुए तीन तरीके जिससे कि आप व्हाट्सएप अपने खाने के बिजनेस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला और बहुत महत्वपूर्ण तरीका है व्हाट्सएप ग्रुप्स का। ये हम डिस्कस करेंगे अगली वीडियो में और साथ ही साथ हम आपको देंगे कुछ स्मार्ट टिप्स और बताएंगे कि शेफ बडी को आप व्हाट्सएप के साथ अपने बिजनेस के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखना ना भूलें शेफ बडी एकेडमी की अगली वीडियो।